गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी पालक जिसकी दो बार मैं पहले हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और आज यश इसकी थर्ड हार्वेस्टिंग है और अभी भी मैं इसको इसकी जड़ से नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी और पत्ते लगने वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको बस पिंचिंग कर रही हूँ, इसके पत्ते निकाल रही हूँ। और साथ में हम करेंगे हार्वेस्टिंग चटनी के लिए। चटनी के लिए पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन प्याज सब अपनी किचन गार्डन से ही मैं लेने वाली हूँ, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुछ धनिया भी था, इसके साथ सीड्स डाले हुए थे तो वो भी हम निकाल लेते हैं आज, और फिर बनेगी धनिया की चटनी। बस प्याज भी हरे हम अपने गार्डन से ही ले लेंगे, गार्लिक भी हम अपने गार्डन से ही ले लेंगे और बस मस्त सी चटनी बनाएंगे, पकौड़ों के साथ खाएंगे, परांठों के साथ खाएंगे। तो आप भी ज़रूर छोटी मोटी ग्रीन वेजिटेबल्स लगाइए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी धनिया की भी हार्वेस्टिंग, और भी है, मैं और भी निकालने वाली हूँ। इस तरफ जो धनिया लगा, देखो आप, इस पर फूल भी आ गए हैं, बहुत सुंदर फूल लगते हैं इसके, वाइट वाइट और थोड़े थोड़े ब्लू से, पर फिर भी चलो मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि अभी हमें इसके फूल नहीं चाहिए, अभी हमें इसकी पत्तियाँ चाहिए। तो ये है हमारी आज की पालक और ये है हमारी आज की धनिया, पालक और धनिया, पालक के परांठे, धनिया की चटनी। बस थोड़े ही दिन में हमारी ये पे मेथी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। वैसे बस थोड़े ही दिन में मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी, और भी मैंने इसमें दाने डाल दिए थे जो जहाँ जहाँ पे मुझे स्पेस लग रही थी वहाँ से भी निकलना शुरू हो गया। और एक नई चीज़ भी दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये है सोया, सोया के सीड्स डाले थे, सोया के सीड्स ये दिख नहीं रहे आपको, ये है सोया, सोया के सीड्स डाले थे, ये भी जर्मिनेट हो गए हैं, कुछ इस तरफ भी डाले थे, यहाँ पे भी धीरे धीरे निकल रहे हैं छोटे छोटे, और कुछ ये है, ये देखो यहाँ पे, ये सोया के सीड्स हैं। तो इसके साथ हरी मिर्च की हार्वेस्टिंग ना हो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो चलिए हम अपनी एग्जॉटिक वाली कलरफुल मिर्च की हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये इनका टेस्ट मैंने किया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो ग्रीन वाली हमारी होती है उससे थोड़ा डिफरेंट है इनका टेस्ट। यहाँ से कुछ ब्लैक वाली भी निकाल लेते हैं, ब्लैक नहीं एक्चुअली है, पर्पल है, तो ज़्यादा नहीं निकालेंगे। ये देखो, तो ये कुछ निकालेंगे हम लहसुन के पत्ते। तो ये देखिए, आज ये हार्वेस्टिंग का ही वीडियो है, स्पेशली चट्टी के लिए सामान जो है वो पूरा हार्वेस्ट हो रहा है यहाँ से। ये लहसुन के पत्ते, वैसे अगर हम पत्ते खाते रहते हैं तो फिर लहसुन उतना अच्छा लगता नहीं है, बट लास्ट ईयर भी मैंने लगाया था तो उसके पिक शेयर करूँगी आपसे। उसके जो वो कलियाँ होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं थी बट काफ़ी अच्छा निकलाया था वो, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये देखो, और इस तरफ भी है ये, तो उसके बाद आएगी पुदीने की बारी। तो चलिए इसको भी हम हार्वेस्ट करते हैं, ये काफ़ी फैल चुका है इस बेड में, काफ़ी सारे पौधे हैं उसके नीचे, नज़र नहीं आता लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया ये भी। ये देखो, अभी मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगी। तो एक्चुअली पुदीने को ऐसा ही स्पेस पसंद होता है जहाँ पे शेड भी हो, धूप भी आ रही हो, जैसे देखो आपको यहाँ पे शेड भी दिखाई दे रही है और धूप भी यहाँ पे आ रही है, तो इसको ऐसा ही मौसम पसंद होता है और मॉइस्चर हमेशा बना रहे इसकी मिट्टी में, तो इसलिए। तो ये अब काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो कर गया क्योंकि इस बेड में इसको पूरे फैलने की जगह मिल गई थी, तो इसलिए ये बहुत अच्छा ग्रो हो गया यहाँ पे। देखो, ये देखो, इस तरफ भी है बट इस तरफ मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ। और साथ में हरी प्याज, तो इसकी हार्वेस्टिंग मैंने थोड़े दिन पहले भी आपसे शेयर की थी, दो तीन वीडियो पहले शायद, तो फिर से ये हार्वेस्टिंग के लिए हो गई है तैयार।
तो हम क्यों ऐसा मौका छोड़े हार्वेस्टिंग का। तो चलिए, तो चटनी का सारा ही सामान हमारे गार्डन में मिल गया है और बहुत इजी है इनको लगाना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप भी कोशिश कर सकते हैं, चटनी खानी तो हम सबको ही पसंद होती है ना। तो बस, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो छोटा सा, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जल्दी ही। आप अपने विचार मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। सो चटनी का सारा सामान हमारा तैयार हो गया है, मिर्च यहाँ पर हो गई, धनिया हो गया, लहसुन हो गया, पुदीना हो गया और प्याज के पत्ते हो गए, साथ में बोनस पालक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा वीडियो ग्रीन हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। चैनल को सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय बाय।